तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके और हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, पटवारी भर्ती का शिफ्ट वन का 20 दिसंबर 2017 का पेपर कंडक्ट हो चुका है और कुछ एग्जाम एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा शिफ्ट वन का 20 दिसंबर 2017 का, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, किस टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए थे इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो जो कि पटवारी भर्ती के संबंधित होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन आज का क्या हाल रहा शिफ्ट वन का 20 दिसंबर 2017 का पटवारी भर्ती एग्जाम का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों गुड अटेम्प्ट जो रहा जनरल नॉलेज का वो रहा, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, जो जनरल नॉलेज का 14 में से 15 क्वेश्चन आप कर सकते थे आउट ऑफ 20 बेस्ड ऑन एमपी। एमपी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 11 से 13 क्वेश्चन आप कर सकते थे आउट ऑफ 20, और ईजी प्लस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। हिंदी सेक्शन से आप आउट ऑफ 20 12 से 14 क्वेश्चन कर सकते थे, ईजी प्लस मॉडरेट लेवल के आए थे। रूरल इकोनॉमी एंड पंचायत राज से हर दिन हार्ड लेवल के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 11 से 13 क्वेश्चंस आप आउट ऑफ 20 कर सकते थे। और दोस्तों, कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे 20 में से आप 12 से 13 क्वेश्चंस कर सकते थे, इजी प्लस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। और जो आउट ऑफ 100 आप कर सकते थे 60 में से 68 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। और दोस्तों, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन रहा वहाँ से आप नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल इजी था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका लेवल मॉडरेट था, एज संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका लेवल इजी था, एवरेज संबंधित 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों जिनका लेवल इजी प्लस मॉडरेट था, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों जिनका लेवल मॉडरेट था, पॉलीगॉन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जिसका लेवल इजी था, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों जिनका लेवल मॉडरेट था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आया था दोस्तों जिसका लेवल इजी था, और मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों जिसका लेवल इजी प्लस मॉडरेट था, रीजनिंग से 1 क्वेश्चन आया था दोस्तों जिसका लेवल इजी था, और मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों जिसका लेवल इजी प्लस मॉडरेट था। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एवरेज के ऊपर, टाइम एंड वर्क के ऊपर और मेंसुरेशन के ऊपर हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दोस्तों, जो हिंदी का सेक्शन रहा, हिंदी का जो पेपर हुआ वहाँ से संधि से आए थे 2 क्वेश्चंस जो कि इजी लेवल के थे, समाज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था जिसका लेवल इजी था, दोहे से 2 क्वेश्चन जिसमें 1 अलंकार 1 रस जिसका लेवल मॉडरेट था, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन दोस्तों जिसका लेवल इजी था, उपसर्ग से 2 क्वेश्चन जिनका लेवल इजी था, प्रत्यय से 2 क्वेश्चन जिसका लेवल मॉडरेट था, वर्तनी त्रुटि से 1 क्वेश्चन आया था दोस्तों जिसका लेवल मॉडरेट था, विलोम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों जिसका लेवल इजी था, और रिक्त स्थान से 1 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जिसका लेवल इजी था, व्यंजन से 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों जिसका लेवल इजी था, अन्य ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों डिफरेंट लेवल के थे, ईजी प्लस मॉडरेट लेवल के। और दोस्तों, जो आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा शिफ्ट वन का एमपी पटवारी भर्ती का वो जाएगा एग्ज़ाम का वो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए जा सकता है 80 to 85 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए जा सकता है 78 to 80 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए जा सकता है 75 to 78 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए जाएगा 70 to 75 मार्क्स, और जो अदर्स कैंडिडेट है उनके लिए जाएगा 65 to 70 मार्क्स, और एवरेज ओवरऑल कट ऑफ जाएगा शिफ्ट वन का 20 दिसंबर 2017 का वो जाएगा 75 to 78 मार्क्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस गवर्नमेंट जॉब सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाए रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।